हेलो गाइस यार, कैसे हो? तो स्वागत है आप लोग का एक और नया वीडियो में। गाइस इस वीडियो में मैं फिर से खेलने जा रहा हूँ लास्ट है रूल सर्वाइवल गेम। तो गाइस देखो, मेरे पास ग्रीन कार्ड तो आ गया था लेकिन मेरे पास मास्क नहीं आया है। तो गाइस इसलिए मैं फिर से जा रहा हूँ बॉम्ब शेल्टर में मास्क लेने के लिए। तो देखता हूँ बॉम्ब शेल्टर में मास्क मिलता है या फिर नहीं। तो गाइस बॉम्ब शेल्टर के अंदर आने के बाद मैं देखता हूँ यहाँ पर तो कोई मास्क तो फिलहाल है नहीं, तो मैं जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ क्योंकि ज़ॉम्बी ने भी मुझे बहुत ही ज़्यादा डैमेज दे दिया था और थोड़ी देर में रेडिएशन का डैमेज भी पड़ने लगेगा। उसके बाद गाइस मैं फार्मिंग करते करते चला आया भालू की गुफा में और वहाँ पर आने के बाद मैंने भालू को मार दिया और उसके पास में जो ग्रीन कार्ड मिलता है मैंने वो ले लिया। हालांकि ग्रीन कार्ड लेने के बाद भी कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मेरे पास मास्क नहीं है, तो इसलिए मैं ग्रीन रूम नहीं कर सकता। और फिर गाइस मैं चला आया गैराज में लेवल 1 का मास्क लेने के लिए, लेकिन वहाँ पर मुझे लेवल 1 का मास्क तो नहीं मिला लेकिन फिर से एक और ग्रीन कार्ड मिल गया। और फिर गाइस मुझे अचानक एक और एनिमी का आवाज़ सुनाई दिया, तो मैं उसे बहुत देर तक ढूंढता रहा कि एनिमी है कहाँ पर, लेकिन बाद में जाकर मुझे मिल गया। जब मुझे मिला मैं उसे मारना चाहता था लेकिन मैं उसे मार नहीं पाया, उसने ही मुझे मार दिया। और फिर गाइस मैं मरने के बाद मैं फिर से स्पॉन हुआ अपने घर पे, मतलब बेस पे, और उसके बाद मैं फिर से चला गया बॉम्ब शेल्टर मास्क लेने के लिए। हालांकि मुझे इस बार मास्क मिल जाता है। और गाइस उसके बाद मैं यहाँ से मास्क लेके और अपने बेस से मैं ग्रीन कार्ड लेके चला जाता हूँ ग्रीन रूम लूटने के लिए। और फिर गाइस जब मैं ग्रीन रूम लूटने के लिए जा रहा होता हूँ तब मुझे रास्ते पे एक एनिमी मिलता है और वो मुझे मार देता है और उसकी वजह से मेरा जो वायर्स था वो सारा वायर मेरा ड्रॉप हो जाता है। उसके बाद गाइस मैं अपने बेस पे स्पॉन हो जाता हूँ और स्पॉन होने के बाद मैं चला जाता हूँ बॉम्ब शेल्टर में, क्योंकि गाइस मैंने सोचा कि बॉम्ब शेल्टर से एक और बार लेवल 2 का मास्क ले लूँगा। और गाइस बॉम्ब शेल्टर में कभी कभार वायर्स भी मिल जाता है, तो वायर्स भी ले लूँगा। और लकीली गाइस मुझे वहाँ पर लेवल 2 का मास्क एक और मिल जाता है और उसके साथ ही साथ मुझे 10 वायर भी मिल जाता है। उसके बाद गाइस मैंने सोचा कि देख लूँ कि ब्लू रूम में क्या क्या लूट है, तो जैसे ही मैं नीचे जाने लगा एक मोटा सा ज़ॉम्बी मेरे पास आके फट गया और मैं वहाँ पर नॉक हो गया। उसके बाद गाइस मैं बहुत देर तक वायर्स ढूंढता रहा और बहुत देर के बाद जाके मुझे थोड़ा सा वायर मिला था और वो वायर लेके मैं चला आया ग्रीन रूम करने के लिए। और गाइस जब मैं चेक कर रहा था कि ग्रीन रूम में लूट है या फिर नहीं, तभी मुझे नीचे एक और एनिमी दिखाई दिया, वो भी शायद से ग्रीन रूम लूटने आया था। उसके बाद मैं उसे मारने के लिए ढूंढने लगा तो देखा कि वो जनरेटर के पास जाके अपना जो वायर है उसके पास जितना वायर है वो वायर वो जनरेटर में डाल रहा है। उसके बाद जैसे उसने खुद का वायर जनरेटर में डाल दिया तभी मैं उस पर हमला करने लगा। हालांकि मैं शॉटगन से मैं ठीक से उसे मार नहीं पा रहा था लेकिन बाद में मैंने उसे मार दिया। उसके बाद मैंने उसके ही वायर से पूरा ग्रीन रूम कर लिया और उसका वायर थोड़ा सा बचा हुआ था तो वही लेके मैं वापस आ गया अपने बेस पे।
और गाइस ग्रीन रूम से मुझे एसएमजी और ब्लू कार्ड भी मिल गया था। तो उसके बाद मैं अपने बेस पे आ गया और बेस पे आने के बाद मैं ब्लू कार्ड लेकर चला गया बॉम्ब शेल्टर में ब्लू रूम लूटने के लिए। और लकीली गाइस मुझे ब्लू रूम से हैंडमेड भी मिल जाता है। और गाइस उसके बाद मैं अपने बेस पे वापस आ जाता हूँ। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो गाइस यार इस वीडियो को एक लाइक कर देना। और इस वीडियो में बस इतना ही, दोबारा मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।